हेलो नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल हस्तरेखा गुरु में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की वीडियो में ऐसा लेके आया हूँ कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। ये ऐसा वीडियो है, ये ऐसा हाथ का पंजा बना हुआ है जो करोड़ों में से कहीं एक हाथों में नज़र आता है। ऐसे हाथ की रेखाओं वाले व्यक्ति जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, ऐसे हाथ कि अगर रेखाएं हैं किसी व्यक्ति की तो ऐसे लोग करोड़ों में खेलते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि करोड़ों में आय कैसे होती है, या ऐसे लोग जिनकी आय करोड़ों में होती है, करोड़पति योग, धन योग, राज योग, जितना भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअल में जान पाएंगे कि हस्तरेखा में धन योग, राज योग या बहुत पैसा कमाने के योग और करोड़ों में आय क्या होती है। आपने अदम विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और बहुत सारी जानकारी भी आपको होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो आपको आश्चर्यजनक लगेगा। तो मित्रों, इस वीडियो को कृपया विनम्र निवेदन है पूरा देखें, इसका लाभ उठाने के लिए आप बहुत ध्यान से देखें। और ये वीडियोज़ मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीडियोज़ के बारे में और बता रहा हूँ आपको कि ऐसे लोग किनकी आय जिनकी आय करोड़ों में होती है, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं जिनकी आय करोड़ों में होगी, या आपके समय भी ऐसा समय आएगा, ज़रूर आएगा। मित्रों ध्यान से देखिएगा इस वीडियोज़ को, लंबा वीडियोज़ है फिर भी आप ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार की रेखा कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की रेखा अगर आपके हाथ में नहीं भी है तो वो कर्म के द्वारा ऐसी सारी रेखाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो मित्रों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे करोड़ों की आय कैसे प्राप्त करें या कैसे होती है। सर्वप्रथम जीवन रेखा इस चित्र के अनुसार पूर्णतः गोल होनी चाहिए, जो कि चित्र में दिखाया गया है। अगर हल्का गोल है तभी काम चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा भी टूटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, इस पर कोई धब्बा या कोई आकृति नहीं होनी चाहिए। ये मस्तिष्क रेखा हमारी जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है, और ये हमारी बुद्ध रेखा कहलाती है जो कि सीधे बुद्ध पे जा रही है, और धन की रेखा भी कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह बना है, ये हमारा महत्वपूर्ण चिन्ह है, डबल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल ये बना होगा, ये वाला, और एक छोटा ट्रायंगल ये बन रहा है। ऐसे हाथ बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ऐसे लोग करोड़ों में खेलते हैं और इनकी आय करोड़ों में होती है। साथ साथ में हमने ऐसे हाथों दो चार हाथों को देखा है जिनमें ऐसे उपयुक्त लक्षण लगभग लगभग पाए गए, लेकिन उन लोगों के हाथ में एक विशेष रेखा थी जिसे आप कह सकते हैं कि ये राहु रेखा, और इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। आगे चलकर वो ज़रूर धनवान बनेंगे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये हमारी दोनों रेखाएं होगी, ये बुध रेखा ये होनी चाहिए, साफ सुथरा, टूटी नहीं होनी चाहिए, और मणिबंध रेखा भी होनी चाहिए जो हथेली के कलाई के पास होती है, ये भी नहीं टूटी होनी चाहिए। तीन चार, अगर तीन है तब भी ठीक है, चार है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। और भाग्य रेखा, ये जो रेखा है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये शनि पर्वत तक जाना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए, इसका कहीं भी टूटा होना नहीं होना चाहिए, या इसमें कहीं दीप जैसे इस प्रकार से चिन्ह नहीं बनने चाहिए, और सीधे शनि तक जाना चाहिए। और गुरु ग्रह ये पूर्णतः विकसित होना चाहिए, हमने अपने वीडियोस में बताया है कि गुरु ग्रह कैसे विकसित जाना जाएगा, गुरु ग्रह विकसित है कि नहीं। शनि ग्रह भी हमारा पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, और सूर्य ग्रह विकसित होना चाहिए, बुध ग्रह भी होना चाहिए। साथ साथ में बता दूं, मैं बुध पे जिनके आय करोड़ों में होती है या बहुत बड़े बिजनेसमैन पाए गए हैं, दो तीन ऐसी रेखाएं पाई जाएंगी बुध क्षेत्र पर, दो तीन ऐसी रेखाएं पाई जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा आप, दो तीन ऐसी रेखाएं पाई जाएंगी बुध क्षेत्र पर, और ये सारी रेखाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें से एक आध रेखा नहीं भी है जो बारीक रेखा है तब भी चल जाएगा हमारा, जैसे कि हमने बताया राहु रेखा ना हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मार्ग में बाधा ही करेगी, सफलता नहीं देगी। और यहाँ जो चंद्र क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र चंद्र क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र, ये ग्रह एक ग्रह है, यह ग्रह भी हमारा उठा हुआ होना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। और ये सारी चंद्र रेखाएं हैं, और ये कोई चंद्र रेखा अगर यहाँ से जाके मिल गई इस रेखा में,
या पास जाती है तो ऐसा संकेत होता है कि ऐसे लोग करोड़ों में खेलेंगे और इनका बिजनेस दूर दूर तक होगा। ऐसे लोग इकोनॉमिकल विदेश यात्रा, अच्छे इंजीनियर या बहुत बड़े डॉक्टर पाए गए हैं। इस प्रकार से रेखाएं, फिर साथ साथ में मैं बता दूं आपको कि यह सूर्य रेखा जो है सूर्य पर्वत से निकली है। ये अधिकतर इन लोगों के हाथ में एक होगी तो काफ़ी लंबी होगी, बड़ी होगी या डबल भी हो सकती है। इनका विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहेगा। अगर डबल रहेगा तो ये कई प्रकार के व्यवसाय करते पाए जाएंगे। कई क्षेत्रों में इनका सम्मान मान अर्जित और कई प्रकार के विद्याओं के ज्ञाता भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जान पाए रेखाओं के माध्यम से कि ऐसी रेखाओं वाले राजयोग या फिर करोड़ों में आए आए करोड़ों की आय में खेलते हैं। इनके कई बिजनेस व्यापार होते हैं और कई शाखाओं में विभक्त होते हैं। ऐसे लोग दिन दूना रात चौगुना उन्नति करते हैं। हम आपसे बता दें, यदि ये रेखाएं नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं और बहुत सारी रेखाएं हैं, एक ही दो रेखाएं हैं जो राजयोग, धर्मयोग, करुणयोग बताती हैं। लेकिन मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं मिलेंगे यदि उनकी कोई भाग्य रेखा ना टूटी हो, जो मैंने उपयुक्त लक्षण बताया वो सही हो, इस प्रकार से हो तो ऐसे लोग असफल नहीं मिलेंगे, करोड़ों में खेलते ही मिलेंगे। और इनका बहुत दूर दूर तक बिजनेस होता है, बहुत अच्छे पोजिशन पर भी होते हैं, विदेशों तक इनकी यात्रा लिखी होती है। और यहाँ से मणिबंध से कोई एक रेखा अगर चली गई हमारे इस प्रकार से चंद पर्वत पर, ये मणिबंध से निकल रही रेखा है, हमारी रेखाएं मणिबंध है, ये मणिबंध रेखा है। यहाँ से कोई रेखा निकल के चंद पे चले गए तो इनका फिक्स होता है कि विदेश इन्हें जाना है, विदेश दौरा भी होता है और विदेश में इनकी लंबे व्यापार भी होती है। और इस वीडियोस के माध्यम से मैं अभी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा और हमारे पास कई वीडियोस भी हैं जिनको आप देख के और सारी जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने हाथ की रेखाओं को। तो मेरा ये दावा है कि इस प्रकार की हाथ की रेखाओं वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होते, करोड़ों में खेलते हैं। राजयोग कहलाता है, तकदीर के सिकंदर कहलाते हैं, धनयोग कहलाता है, कुंडली में भी इनके राजयोग बना हुआ होता है। दोस्तों, इस प्रकार के हाथ मैंने कहा बहुत कम मिलते हैं, परसेंटेज में नहीं होते, नंबर्स में होते हैं, लेकिन बहुत पाए भी जाते हैं। ऐसे लोग दयालु किस्म के भी पाए जाते हैं और काफ़ी गुणों से परिपूर्ण होते हैं, कई गुणों से अर्जित होते हैं। हालांकि इनमें अगर और सारी रेखाएं होती हैं हाथ में, अभी विभिन्न प्रकार की रेखाएं बची हुई हैं, अगर वो दोष रहित होती हैं तो फिर उनका थोड़ा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, लेकिन वो हम आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे कि ऐसी रेखाएँ नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस प्रकार की रेखाएँ हैं तो आप अपने हाथ से जान सकते हैं कि अभी आपकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो एकाध रेखा इस प्रकार की रेखा होते हुए भी अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं हैं, तो आप जान जाइए कि अभी आपके हाथ में ऐसी बहुत सी रेखाएं और होंगी इस समय जो आपके मार्ग में बाधक उत्पन्न कर रही हैं और आपको उस पोजीशन पे नहीं ले जा पा रही हैं। हम आपको अगले वीडियोज में डाल के बता देंगे या आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो जैसे कि राहु रेखा हो गई, यही रेखा हो गई तो आपकी प्रोग्रेशन धीरे होगी। भाग्य रेखा टूट गई, दीप आ गया भाग्य रेखा में, ऐसा कोई चिन्ह आ गया या दीप आ गया या टूट गया भाग्य रेखा, कहीं से टूट के हुए चल रहा, या मस्तिष्क रेखा रेखा पे आके रुक गया, आगे गया ही नहीं, या फिर शनि से यहीं तक रह गया या यहीं रह गया, या धुंधली हो गई, आगे है ही नहीं रेखा, या अधूरी भाग्य रेखा, इस प्रकार से सारी दुविधाएं आती हैं। तो हम उनको अगले वीडियोज़ में डाल के बता देंगे। हालांकि ये करोड़पति योग का योग था। और साथ साथ में बता दूं कि अगर ये सारी रेखाएं कम ही हैं, पूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों चिन्ह उपयुक्त हैं, बड़े ट्रिंगल और छोटे ट्रिंगल, तो ऐसे लोग खूब पैसा कमाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम डालते रहेंगे हस्त रेखा के बारे में। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आप हमारी अगली वीडियोज़ हमें कमेंट में लिख के भी जिस क्षेत्र पे जानना चाहते हैं दे सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें। धन्यवाद।